सब्सक्राइब कीजिए ABCD सब कुछ चैनल को, और प्लम्बिंग का नया से लेकर पुराना हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट इन्फॉर्मेशन आपका मोबाइल में। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका ABCD सब कुछ चैनल में। मेरा नाम है बशीर अहमद खान, आया हूँ फिर से एक प्लम्बिंग का वीडियो लेकर। दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बताने वाला हूँ। इस वीडियो में पूरा जरूर बने रहिए। शायद आप लोगों में से बहुत सारे भाई को ये भी पता नहीं है जो ये पाइप का नाम क्या है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पाइप जैसा दिख रहा है, देखो यानी करंट वाला पाइप दिख रहा है, लेकिन ये पाइप जो है, इस पाइप का नाम भी बताऊंगा और इसमें बहुत सारा फिटिंग भी नहीं आता है, और एक अनोखा थर्मोस्टेट डाइवर्टर का सिस्टम बताऊंगा जो आप लोगों को कभी नहीं बताया, और आप लोगों का बहुत सारा सवाल है इसमें मैं बताऊंगा। और ये पाइप का नाम जो है, सबसे पहले ये पाइप जो है, इस पाइप का नाम होता है काईटेक पाइप, और इसमें एक दो फिटिंग भी नहीं आया है वो भी बताऊँगा। और पहले देख लीजिए, जेट क्लैंप से लाइन घुमाया हुआ है, और शायद आप लोगों को पता है क्या फिटिंग इसमें नहीं आता है, शायद आप लोगों को पाइपलाइन इसलिए दिखाया मैं पूरा। देख लीजिए सीलिंग में जो घुमा, और कंसील में भी आया, ये भी दिखा देता हूँ। और ये जो है कंसील सिस्टम, इसका भी आप लोगों का कुछ भाई लोगों का सवाल था, तो ये भी आप लोगों को बता दूँगा आज। और थर्मोस्टेट के बारे में ही बताऊँगा। सबसे पहले इधर बल्ब वाल्व लग गया, ओके। और इस फिटिंग में जो है, जैसे कि CVVC और UPVC में एल्बो या फिर पास ओवर आता है, लेकिन इसमें नहीं आता है पास ओवर या फिर एल्बो, इसे बेंड किया जाता है। और ये देख लीजिए थर्मोस्टेट डाइवर्टर अनोखा स्टाइल का, यानी जेड सिस्टम जो किया हुआ है, इसका लॉन्ग प्लग भी काफ़ी बड़ा है, और थिकनेस बाथरूम का बहुत ही कम है, इसके वजह से नज़दीक जा रहा हूँ तो पूरा नहीं आ रहा है कैमरे में। तो इधर से मैं बताता हूँ, देख लीजिए इसका लेफ़्ट साइड जेट सिस्टम नहीं लिया है, यानी डाइवर्टर से जो लेफ़्ट साइड वो नहीं लिया है, उसका राइट साइड ही लिया है। और ये ग्रो ए का थर्मोस्टेट डाइवर्टर है, सिर्फ वन साइड लिया है, और इसका लॉन्ग प्लग जो है कितना लंबा है देख लीजिए। और इसमें जो बेंड करने का तरीका भी अलग होता है, और कैसे फिटिंग करते हैं वो भी तरीका अलग है इसका, वो भी बताऊँगा, कोशिश करूँगा इस वीडियो में, नहीं तो दूसरा वीडियो लाऊँगा, ओके। और इसका देख लीजिए एग्रोए का है, और इसमें गर्म ठंडा का पॉइंट जो है वो नीचे से आता है। इसमें आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, सबसे पहले गर्म ठंडा पॉइंट देख लीजिए, ये लेफ़्ट साइड में जो है ये गर्म का है, जो लाल कलर का दिख रहा है, और ये नीला पीला जो भी हो वो दिख रहा है कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी का। अब देख लीजिए गर्म पानी कैसे घूम के गया है, ऐसे बेंड कैसे करते हैं, ये भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर इस वीडियो में नहीं बता पाऊँगा तो दूसरे वीडियो ज़रूर लाऊँगा इसका मैटर में, कोशिश करूँगा, वादा तो नहीं कर सकता लेकिन कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। ये देख लीजिए इसमें बेंड करने का तरीका, फिटिंग करने का तरीका कैसा है वो भी बताऊँगा, क्योंकि इसका जो बेंड अगर अलग डिज़ाइन से करते हो अपने मर्ज़ी से हाथों से, तो वो टूट जाता है और उधर से लीकेज हो जाता है। तो वीडियो में इसमें बने रहिए, और आगे आगे आप लोगों को जो दिखाऊँगा वो आप ध्यान दीजिएगा, इसमें बहुत सारा चीज़ थर्मोस्टेट में बताऊंगा इधर, जो आप लोगों को याद रहेगा एक चीज़, ये थर्मोस्टेट डाइवर्टर है, ओके। अब इसमें मैं लेफ़्ट साइड से स्पाउट का पॉइंट लिया हूँ, वो क्यों लिया हूँ वो भी बताऊंगा, ओके। और ये देख लीजिए ये राइट साइड से मैं जेट लिया हूँ, अब राइट साइड से जेट लो या फिर ऊपर से लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका जो डिस्टेंस है आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, नीचे फ्लोर से जो है पहला 28 इंच रहेगा, उसके बाद 14 इंच 14 इंच 14 इंच या फिर 15 इंच 15 इंच 15 इंच आप रख सकते हो। और ये लेफ़्ट साइड में नहीं लिए है, वो क्लाइंट चॉइस है, वो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्लाइंट को जैसा पसंद है वैसा चाहते हैं। और ऊपर का सीधा शावर में चले गया, लेकिन इधर आप लोगों को बहुत ही ध्यान देना चाहिए, अगर आप प्लम्बर हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है एक चीज़। इधर देख लीजिए लेफ़्ट साइड में एक सिंबल दिखा रहा है, यानी AB और C, कोई कोई डाइवर्टर में 1, 2 और 3 जैसे लिखा हुआ आता है। आप ये नंबर 1 जो है मैं स्पाउट में लिया हूँ, वो क्यों लिया हूँ वो भी बताऊँगा। और हॉट वाटर देख लीजिए लेफ़्ट साइड में है, इधर दिखाया नीचे, तो ये नीचे रह गया हॉट वाटर लाइन, और उसके बाजू से मैं नंबर 1 स्पाउट में ले लिया। अब ये स्पाउट में मैं क्यों लिया, देख लीजिए आप हमेशा एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, आपका किधर भी सिंबल आता है, जिधर भी नंबर 1 आता है वो हमेशा स्पाउट में जाएगा। अगर आपका ऐसा कोई कैटलॉग उस डाइवर्टर में नहीं दिखाया, जो ये कैटलॉग में मेरा ये वाला चीज़ इसमें जाएगा, यानी थर्मोस्टेट में जाएगा नंबर 1, नंबर 2 स्पाउट में आएगा, और नंबर 3 शावर में जाएगा,
ऐसा नहीं दिखाया कोई भी कैटलॉग में, तो आप हमेशा नंबर वन आपको स्पाउट में लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा सिंगल लेवर डायवेटर का ध्यान रखते हुए नंबर वन आपका स्पाउट में आएगा। जैसे कि सिंगल लेवर डायवेटर आपका ऑन करते हो तो आपका स्पाउट में पानी जाता है, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए आप नंबर वन हमेशा स्पाउट में रखिए, और बाकी नंबर टू एंड नंबर थ्री आप किसी भी कोई भी चीज़ में रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका काम का हिसाब से जो आपको एडजस्ट अच्छा होता है वैसे ही आपको करना पड़ेगा, लेकिन हमेशा नंबर वन आपका स्पाउट में जाना चाहिए। और अक्सर डायवेटर में यही दिखाता है, चाहे कैटलॉग हो या फिर ना हो। और बाकी ये जो कंसील सिस्टम है, बहुत सारे भाई का इसमें सवाल था, जो कंसील सिस्टम का हाइट कितना रहना चाहिए। देख लीजिए, कंसील सिस्टम का कोई हाइट नहीं होता है। कंसील सिस्टम में सिंपल सा एक, ये जो नीचे है इधर एक बेंड पाइप आता है, कंसील सिस्टम में फिटिंग हो जाएगा, और आपका आउटलेट इनलेट में जितना आपका स्पेस होना चाहिए, जैसे कि 5.5 इंच होना चाहिए कमर से, उतना आपका रहेगा। बाकी जितना हाइट होएगा वो कंप्लीट हो जाएगा उसके साथ में। और ये देख लीजिए, विदाउट फिटिंग में मतलब कोई भी पास ओवर या फिर एल्बो जैसा नहीं लगा है, ये ब्रास एल्बो कनेक्टर है, यानी जो कंसील सिस्टम के साथ में लगता है ना ब्रास एल्बो, या फिर MT लगाते हो वैसा। और कैसे इस सब करते हैं, पास ओवर कैसे बनाते हैं, एल्बो कैसे बनाते हैं, ज़रूर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, दिखाऊँगा ज़रूर। इस वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है इसकी वजह से दिखाया नहीं। और ये रहा वॉश बेसिन का पॉइंट, सिंपल सा। और वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलने की कोशिश करूँगा आप लोगों के साथ, आप लोगों के पास किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।